खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हमारे गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है और मोबाइल जलाने के लिए जो है कहीं बाहर जाते हैं, कहीं बेंदा जाते हैं, कहीं जो है तो तेंदुवारी जाते हैं चार्ज करने के लिए और लाइट बिना बड़ी समस्या है। और मेन बात क्या है कि लाइट को घुमा करके दिया है, बेंदा वाली लाइट से घुमा करके अमली कौर से होते हुए जो है तो वहाँ से लाइट आती है छापर से फिर आती है हमारे गाँव की। थोड़ी सी अगर बरसात हुई तो फोल्ड मार जाती है। जौहरपुर फीटर जो जौहरपुर के लिए बना है उससे लाइन जो है नहीं जोड़ी गई, आधे गांव में लाइन जोड़ी गई है, आधे आधे गांव में नहीं जोड़ी गई। जो प्रधान है प्रधान अपनी तरफ जुड़वा लिया है, ग्राम प्रधान जो है अपनी तरफ जुड़वा लिया है और इधर जो बकाया मजरा है वो घुमा के लाइट आई है। गर्मी बहुत लगती है, जब से चुनाव हो गए तब से यहाँ बिजली की तो दर्शन नहीं है। जब चुनाव हो रहे थे तो कम से कम 20-22 घंटे बिजली मिलती थी, जिस दिन से चुनाव हो गया उस दिन से 8 घंटे मिलना भी दुर्लभ है। रात में कैसे सोते हैं हम जानते हैं पत्रकार महोदय जी, दोपहर में देखिए शक्ल देख लीजिए किस तरह पसीना बह रहा है, आपको दिख रहा है? जब दिख रहा हो तो देखिए किस तरह तंग है, देखिए किस तरह दफ्ती डुला रहे हैं, देख लीजिए। इस समय जो ये पानी बारिश बहुत तेज हुई और आंधी आने की वजह से जो है कुछ खंभे डिस्टर्ब हो गए, जिससे हमने जो है जेई को अवगत भी कराया है। एक दिन जो है लाइट लगने से एक वहाँ पे जो है एक बिजली कर्मी की मौत भी हो गई, वो जो है डिस्टर्ब हो गए, तो इस वजह से वहाँ पे अभी कोई जो है बिजली बनाने वाला नहीं है। लेकिन जेई साहब ने ये कहा है कि 2-4 दिन में हम जो है इसको जल्द से जल्द ठीक करवा रहे हैं। तहसील में हूँ, यहाँ पर बिजली पानी को लेकर गांव वाले लगभग सैकड़ों हजारों की तंदात में जाम लगाए हुए हैं। ये 9 बजे से 11 बजे तक जाम लगा रहा है, जब तक अधिकारी नहीं आए हैं तब तक ये जाम नहीं खुला है। यहाँ छोटे छोटे बच्चा सब रात कर रहे हैं, न बत्ती आ रही 4 महीने से और ये 9 बजे का जाम है लगा हुआ, कोई अधिकारी भी नहीं आया। वही 11 बजे आए, इतना दम दिया है कि पानी मिलेगा बत्ती मिलेगी, अब देखो आती है कि नहीं आती है। पानी नहीं आ रहा, टंकी का पानी भी नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे त्रा त्रा कर रहे थे, गर्मी की समस्या का समाधान था, पानी नहीं आ रहा, हैंडपम्प खराब थे। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जनता में आक्रोश था, इसलिए जाम लगाया गया। कब से जाम यहाँ पर लगा था? 9 बजे दिन से। कितने देर बाद आए थे अधिकारी? 2 घंटे बाद। आज पहलानी में बहुत बड़ा धरना था बिजली पानी को लेकर, तो इसमें क्या आश्वासन दी गई है? वो नए बिजली घर से बिजली चालू करने के लिए है और यहाँ से अलग कर्मचारी रखे गए पहलानी के लिए। जो ब्रेकडाउन हो जाता था काफी देर तक लोग करते नहीं थे, वो बिल्कुल जो है तुरंत किया जाए, कराया जाए, बिजली नए पावर हाउस से मुझे रेगुलर दी जाए। अब ये है कि 16-17 घंटे अगर हमको उपलब्ध होगी ऊपर से तो 15 घंटे तो लगभग बिजली मिल जाएगी। बस ये आज ही वो तो चालू कर दी, कल से जुड़ गई है, नए पावर हाउस की बात जो हो रही थी नए पावर हाउस से जोड़ दी गई है। अब बस जो कटौती ना हो तो कल से इनको बिजली मिलने लगेगी। पावर की लाइट बत्ती के अंदर से गई है तो उसके हटाने के लिए वो लोग मांग कर रहे थे, इसमें क्या कहेंगे? उसमें अभी कुछ नहीं होगा, 11,000 की लाइन का अब बिजली लाइन हट जाएगी, लाइन उखड़ के चली जाएगी तो बिजली कैसे मिलेगी लोगों को? अब उसमें सुरक्षा की बात है तो उसमें सुरक्षा वाले काम कोशिश करके करवाऊंगा, गार्डिंग वगैरह। बाकी लाइन तो सभी कस्बों में, सभी शहरों में, सभी गांव में है, कहां नहीं है, कहीं की लाइन हटा के थोड़ी की जा सकती है। जी सर, हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।